करके जब शादी होती तक किन्नर इतना होती नहीं, अगर शादी होती तक शादी करके किसी के घर में बस जाती कोई ये सब बंद हो जाती, पर किन्नर की शादी नहीं होती, जो भी वो करते सब डुप्लीकेट है, सब ड्रामाबाजी। ऐसी मजबूरियाँ भी होती है जो घर पे जा नहीं पाती हूँ, कि गांव के लोग ताने मारते हैं कि तुम्हारे घर में ऐसे हो गए वैसे हो गए, ये है वो है कि तुम्हारे घर में बाल बच्चे की शादी नहीं होगी, इसके लिए घर पे नहीं जाते। आप लोगों की कुछ हरकत जो है वो आम लोगों को पसंद नहीं आता है, तो ये ऐसा आप लोग क्यों करते के बाद हमसे ना पूछे वो ट्रेन में क्या करते हैं लोग नहीं करते, हम लोग ट्रेन वाले नहीं, हम लोग गद्दी का मत है। आप सभी का बसंत बिहार में और हमारे साथ यहाँ पे मिल गए हैं कुछ किन्नर समाज के लोग हैं। अब इन लोगों की जो जीवन शैली है तो उसे हम बताने की आप सभी को एक छोटी सी हम प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये लोग कहाँ से आते हैं, किस तरह से, क्योंकि ये लोग हमारे ही समाज के हैं लेकिन हमारे समाज से थोड़े अलग रहते हैं। आखिर ये लोग अलग क्यों रहते हैं? और आप लोग अक्सर देखे होंगे कि समाज में जब भी ये लोग जहाँ भी जाते हैं थोड़ा इन लोगों की जो ओछी हरकत है वो भी लोगों को पसंद नहीं आती है, और शायद लोग भी इन लोगों को इसी तरह से देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका किन्नर। प्रियंका किन्नर, अच्छा एक बात बताइए, आपका नाम? मेरा नाम सानिया किन्नर। आप थोड़ा इधर आ जाइए, आपका नाम क्या? मनीषा किन्नर। मनीषा किन्नर, और आप? मेरा नाम चुलबुली किन्नर। चलिए, और यहाँ पे तो है ये जूली किन्नर, दिखाई दे जाती है ये कहीं कहीं पे। चलिए एक बात हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आपका घर कहाँ पे होता है? मेरा घर कहाँ है मुझे पता नहीं है, पर मैं बचपन से पली बली हूँ सिवान में। सिवान मेरी जो गुरु है वही लेकर आई थी, मैं गुरु के पास रहती हूँ आज उनके ही बदौलत। बताइए आप लोग छोटे होते हैं और आप लोग घर से निकल जाते हैं तो बच्चे में थोड़ी याद आता है जब मैं कहाँ की हूँ, गुरु लेकर आती है हम लोग को थोड़ी पता होता है। तो गुरु आपके किसी के घर से भी लेकर चले आएंगे? हाँ, जब किन्नर समाज का होंगे तो कहीं से लेकर आ जाएंगे, जब पता चलेगा तो कहीं से लेकर अपने पास आ जाएंगे। आप लोग भी तो चले आते हैं उस समाज में? बहुत समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने से खुद के आते हैं। अपने से खुद के आते हैं। एक बात बताइए कि आप लोगों की कुछ हरकत जो है वो आम लोगों को पसंद नहीं आता है, तो ऐसा आप लोग क्यों करते हैं? आम लोग जो हरकत मेरी हरकत लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए जो और लोग जो मेरे साथ जो करते हैं वो हम लोग को पसंद नहीं, इसलिए हम लोग को मजबूरी में करना पड़ता है। कहीं ऐसा भी लोग है जो हम लोग का इज्जत नहीं करता है, दरवाजे पर लोग भगाने लगते हैं, गंदे गंदे बात बोलते हैं, वहाँ पर हम लोग गलत हरकत करते हैं। नहीं तो ऐसे जो जहाँ तक घूमते हैं हम लोग सिवान की रहने वाली पूरा जामो लधी सरारी अफराद जगदीशपुर तरवारा सब हम लोग का इलाका है, काजल मंगल मुखी की सिवान की रहने वाली है, हम लोग का पूरा कागज़ है ए, और जामो के मालक ये मेरी बहन है सोनी नायक है जी जी। तो हम लोग को जहाँ पे जो जैसे इंसान है हम लोग का कदर करता है, मैं उसी तरह इंसान से व्यवहार करती हूँ, जो हमारी कदर नहीं करती उनसे मैं अभद्र व्यवहार करती हूँ। यानी सामने वाला अगर सही है तो आप सही है तो मैं सही से इज्जत से जाती हूँ, दरवाजे पे बच्चा होता है खुशी में जाती हूँ, खुशी में हम लोग का शामिल होना खुशी मानते हैं लोग, जाती दुआ देती मेरी जो हक होता है जो खुशी से लोग देते हैं, हमारी हक है मांगने की, जो इंसान का दिल होता है खुशी से देते हैं, हम लेकर आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग ये नाचने गाने वगैरह का काम करते हैं या मांगने का काम करते हैं? आप लोग कोई काम क्यों नहीं करते हैं? हम लोग का नौकरी कौन देगा? आप दिलवाइएगा नौकरी? नहीं, नौकरी जो सरकार नहीं, नहीं सरकार तो आप दिलवा दीजिए हमको सरकार से, हम जो इतने किन्नर समाज है आप सरकार से कह के हमको नौकरी दिलवा दीजिए, हम छोड़ देते हैं, दिलवा देंगे आप? सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें आप लोग सरकार की कोई या योजना है नहीं, ऐसा फालतू की दिमाग चाहते हैं लोग, अफवाह है, किन्नर का आजकल नौकरी कहीं नहीं मिला है, हम लोग का यही सब दिन से चला आ रहा है, नाचना गाना है खुशी में शामिल होना है, मैं वही करती हूँ। और नाच वगैरह में भी नहीं, नाच साटा में हम लोग नहीं जाती, हम लोग का खुशी है बस शादी, जहाँ बच्चा होता है वहाँ पे जाती हूँ, जहाँ पे शादी समारोह होती है, पर दुल्हन जब आती है घर पे जाती है ब्याह का बधाई देते हैं लोग, और नहीं तो होली और दीपावली में दुकान पर भी लेने जाती हूँ। और आप इन सभी लोगों की मालकिन है? नहीं, मेरी भी मालिक घर पे है। घर पे है? हाँ। आप लोग इन सब में मैं बड़ी हूँ, पर हम लोग जो पैसे मालक है वो घर पे है, पैसे वगैरह सारे मालक के पास जाएगी, यही जाएगा काजल मंगल मुखी के पास, उनके पास ये पैसे। हाँ, वो मेरी बड़ी गुरुभाई है, उनके पास जाएगा। और आप लोगों को इसमें से कुछ नहीं मिलेगा? मिलेगा सबको, जो जितना रैक रहेगा वैसे देता है, खुशी खुशी हंस के देता है सब। एक बात बताइए, जो आप लोग जीवन जी रहे हैं ये जीवन आप लोगों को कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अगर भगवान आपसे बोले कि क्या हम आपको फिर से दूसरे जन्म में किन्नर ही बना कर भेज दें तो क्या जवाब होगा? तो दुआ दिल से बस दुआ ही निकलेगी। हाँ, कहेंगे कि मान लीजिए कि आपको अब जो मेरी सबसे एक बात है कि जैसा जो करनी करता है वैसा फल मिलता है, अगले जन्म में बिगाड़ी थी मैं, इस जन्म में इस बन के आई हूँ, पर अगले जन्म में भगवान से ये प्रार्थना करती कि किसी को ऐसा औलाद ना दे,
जो भी दे लड़का बना दे या लड़की बना दे, वो लड़का और लड़की तो संपूर्ण रूप से बन के आती है, पर हम लोग को जैसे बनाए कहीं की नहीं है, ना लड़का है ना लड़की है, कोई किन्नर भी कहते हैं, कोई छक्का कहते हैं, कोई नचनिया कहते हैं, कोई हिजोड़े कहते हैं, ये भी कहते हैं, जिंदगी है, पर इसमें संघर्ष करना है, इसी में संघर्ष जी भी रही हूँ। ये मेरा जितना दाता जजमान है उन्हीं के बदौलत हम लोग भी हैं, जी रहे हैं, उन्हीं लोग से मांगना है खाना है, जी रही हूँ। मुन्ना किन्नर है हथुआ के, उनका हम इंटरव्यू किए हुए थे, जो आजकल नायक उसका नाम है जी, और मुन्ना किन्नर ऐसे लोग बोलते पर उसका नाम हजकल है, और मीरगंज के मालक धनी है जी, हम लोग का बिरादरी से ही है, हम लोग का जैसे होता है समाज ना, वो हमारे ही समाज से जुड़े हुए हैं, हाँ, लोग की मालक है। और वो तीन बार से वहाँ की जिला परिषद में जीती हुई है, हाँ, पता है। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि नहीं हमारा भी लाइफ थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए? लाइफ चेंज करने की बात जहाँ तक आ गई तहाँ तक अभी मेरी गुरु है काजल, अब वो जैसे बोलेंगे वैसे ही हम लोग करेंगे, हाँ। वो अगर बोलती है कहीं चुनाव लड़ने को तो आप लोग लड़ जाएंगे? हाँ लड़ जाएंगे, क्यों नहीं, जब मेरे मालिक, अब अगर पापा बोलेंगे बेटा से ये काम करना है तो बेटा क्यों नहीं करेगा, करेगा ही, जैसे हम लोग का मालक होता है जो घर पे है काजल मंगलमुखी, अगर वो वैसे जैसे कहती वैसे हम लोग करते हैं। चलिए एक मिनट हम इनसे बात कर लेते हैं। आपको याद है कि आप कितने साल की थी तो घर छोड़ दिया? जी नहीं, मुझे याद नहीं है। तो आप जब होश संभाली तो कहाँ पे थी? सिवान में ही थी। नहीं कुछ तो ऐसा होगा ना कि 5 साल 7 साल 10 साल? नहीं, मैं जब से आई तब से सिवान में ही हूँ। सिवान में? हाँ जी, छोटी सी आई, मेरी गुरु लेके आई, मैं सिवान में थी। पहले मैं गोपालगंज में जाती थी बधाई मांगने, अभी मैं यहाँ पे मालिक बन गई हूँ जामो बाजार की। ऐसा कोशिश नहीं किया कि हमारे माँ बाप कौन है हम उनको जाने? जी नहीं, कोशिश नहीं की, नहीं की कोशिश, कोशिश ही नहीं की, नहीं उसे उन्हें जानने की इच्छा है। यदि माँ बाप अच्छा रहते तो अपसेट नहीं करते मुझे? करते तो जरूर, उनको जब चिंता है नहीं तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरा दाता जजमान बना रहे, अच्छा रहे, उन लोगों का जी जंगर बना रहे, उन्हीं लोग को कमाई से मैं जीती हूँ, खाती हूँ, पीट पहनती ओढ़ती जो भी है मेरा दाता जजमान से ही है। माता रानी करे मेरा दाता जजमान अच्छा रहे, सब कुल खुशहाल रहे, उसमें मैं भी खुशहाल रहूँ। चलिए चलिए, तो एक सही बात बता रही हैं कि इनके जो दाता है और यहाँ पे बहुत से लोग भी इकट्ठे हो गए हैं। थोड़ा आप इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? हम कन्हैया यादव है। कन्हैया यादव है, हाँ। अच्छा चलिए चलिए, आप तो अभी दूसरे मूड में दिखाई दे रहे हैं। एक बात बताइए, अब लास्ट में एक बात बताते चलिए। बहुत से लोगों को हमने ऐसा भी सुना है कि बहुत से लोग मर्द होने के बावजूद भी वो लोग किन्नर वगैरह हो जाते हैं, ऐसा? ये मुझे पता नहीं है। वो जो है वो लोग नाच वाले हैं, वो अक्सर लोग प्रोग्राम करते हैं, शादी ब्याह में जाके डांस करते हैं, और ऐसे साड़ी उड़ी पहन के और लोग अपने रूम पे रहते होंगे या घूमते होंगे। और ट्रेन वाले की बात हमसे ना पूछे, वो ट्रेन में क्या करते हैं लोग नहीं करते, हम लोग ट्रेन वाले नहीं, हम लोग गद्दी के मालक हैं, और ट्रेन वाले अलग होते हैं लोग। आप लोगों की शादियाँ होती है कि नहीं? नहीं, किन्नर की कोई शादी नहीं होती। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप लोगों को? सब अफवाह है, शादी वगैरह कुछ शादी नहीं होती। अगर शादी होने वाली होती तो मैं दर्जमान के द्वार पे क्यों जाती, मैं शादी करके अपने घर पे क्यों नहीं रहती? जे आपके पीछे और किसी के पीछे जाना पड़ता है हम लोगों को। चलिए, आप जो भी आप लोग अफवाह सुनते रहते हैं कि कई बार ऐसा अफवाह आता है कि इस किन्नर की शादी इस लड़के से हो गई, इस किन्नर की, सब दुनिया में अफवाह है, ये सब कमाने की सब जो अपने लोग अपना समझ रखे हैं। पर किन्नर की जब शादी होती तो किन्नर इतना होती नहीं, अगर शादी होती तो शादी करके किसी के घर में बस जाती, कोई ये सब बंद हो जाती, पर किन्नर की शादी नहीं होती, जो भी वो करते सब डुप्लीकेट है, सब ड्रामाबाजी है, कुछ नहीं है। जी आपको ऐसा नहीं हुआ कि हम अपने माँ बाप को ढूंढे? आपको कभी ऐसा इच्छा नहीं होता है? याद तो हर इंसान की आती है, पर कुछ कुछ ऐसी मजबूरियाँ भी होती है जो घर पर जा नहीं पाती हूँ, कि गांव के लोग ताने मारते हैं कि तुम्हारे घर में ऐसे हो गए वैसे हो गए, ये है वो है, कि तुम्हारे घर में बाल बच्चे की शादी नहीं होगी, इसके लिए घर पे नहीं जाती हूँ। और अपना दुनिया बसाइए, अपने गुरु के पास रहती, गुरु की सेवा करती, वहीं पे कमाती खाती हूँ। कहीं ना कहीं अगर घर पे आप लोग जाते हैं तो घर की भी बदनामी होती है? बदनामी होती है, शिकायतें होती है, इसलिए घर के लोग एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं बुलाते हम लोगों को। समाज जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये समाज है हमारे, जो हम लोगों का समाज है, इस समाज से आप क्या कहना चाहोगे? आप मान लीजिए कि सभी लोग तो नहीं है ऐसे, लेकिन बहुत से लोग आप लोगों को इज्जत देते हैं, सही से इज्जत देते हैं, हमारी दुआएं लगती है जजमानों को, जजमान हमें खुश करते हैं। मैं यही कहूंगी जितना हमारे दाता जजमान है सब खुश रहे, उनका बाल बच्चा अच्छा से रहे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, सबका कमाई हो, जो हमारा भी रोजी रोटी चले, हमारा पेट चले।
अगर आप लोगों को सरकार चांसेस देती है नौकरी वगैरह की तो आप लोग करेंगे या इसी में आप लोग? सरकार कोई नौकरी नहीं देती, सब अफवाह है। सरकार कोई नौकरी नहीं देती है। हमारा जितना दाता जजमान जामो के चाहे यहाँ से पूरा सीमांत तक जो इलाका जितना नाम बताई हूँ मैं, ये जजमाना हमारा लोग जितना भी है सब जय जय होके रहे, कमाइन के लोग बढ़ंती दे मालिक, उसी में हमारा रोजी रोटी से पेट चलेगा। इन लोग खुश रहे, कुछ नहीं चाहिए नौकरी नहीं। आपको अगर नौकरी मिले तो आप नौकरी करोगी? जी पहले बहुत अप्लाई की थी लेकिन अभी नहीं। आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? जी जी आप पढ़ी लिखी हैं? जी नहीं, पढ़ी लिखी नहीं होता अभी तो नहीं हो रहा है, पढ़ी लिखी रहती तो होता नहीं। वैसे क्या चीज़ की नौकरी आपको पसंद है? पुलिस। पुलिस की? हाँ जी। उसमें मुजरिमों को मारना, गाली देना है ना, ये आपको पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। चलिए चलिए गीत वगैरह गाते हैं आप लोग? हम लोग खुशी में जाती हूँ तो गाती हूँ, वहाँ पे ढोलक लेके जाती हूँ, नाचती गाती हूँ, बिना ढोलक से थोड़ी गा पाती हूँ हम लोग। कुछ भी गुनगुना दीजिए दर्शकों के लिए। दर्शक के लिए सबके मैं सबको प्रणाम नमस्कार करती हूँ। बस यही कहना चाहती हूँ दाता जजमान से जहाँ भी है हमारा खुश रहे दाता जजमान, जितना सबका व्यापार है सबका व्यापार चले, रश्मि के बाद सुख शांति हो, ऐसे इसमें आए हम लोग खुशी खुशी हम लोग का दे जब खुशी खुशी मैं जाऊँ। जी जी चलिए। आप गाना वगैरह गाती हैं कि नहीं? जी नहीं, मैं मेरे को नहीं आता है, बहुत कम आता है। चलिए चलिए अब इन लोगों की जो शिष्टाचार है आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग पैसा वसूल रहे हैं, जामो बाजार में हम लोगों को मिल गए हैं, लेकिन ये जो पैसा है ये सभी लोग अपने मालकिन को ले जाकर देंगे और जो मालकिन है वो अपने स्तर से इन लोगों को जो भी देना होगा वो देंगी। तो इस तरह का शिष्टाचार है इन लोगों में, नियम है। तो एक छोटा सा प्रयास था हमारा कि जो किन्नर समाज है ये किस तरह से अपना जीवन शैली जीते हैं इसी को दिखाने का, और बातचीत इन लोगों ने बेहतर ढंग से किया। और एक बात इन लोगों ने कहा कि जो सामने वाला जिस तरह का व्यवहार करते हैं उसी तरह का व्यवहार हम लोग भी करते हैं, तो ये मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से गलत है। हालाँकि हम उम्मीद रखते हैं किन्नर समाज से कि जो भी ये समाज है, हालाँकि अभद्र मान लीजिए कि जो हरकतें हैं वो नहीं करेंगे, और सामने वाला को देखकर ये लोग भी करते हैं जैसा कि इन लोगों का कहना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा।